वेलकम बैक गाइज। और आज मुझे फाइनली मैं आइस आयरन स्वॉर्ड क्राफ्ट करने वाला हूँ। इसके लिए यहाँ पर मेरे पास 6 फ्रोजन हार्ट्स भी आ चुके हैं, आइस आयरन भी आ चुका है, और मतलब सब कुछ आ चुका है। और देखिए मैं यहाँ पर इसको क्राफ्ट करने वाला हूँ। बना देते हैं, लेट्स गो। फाइनली मुझे आइस आयरन स्वॉर्ड मिल गई थी भाई। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, किसी मजाक भी नहीं कर रहा भाई। इसको मैंने बताया था कि मैं आज आइस आयरन स्वॉर्ड क्राफ्ट करूँगा। मैं पहले बार जब यहाँ पर क्रिसमस था तब मैंने यहाँ पर बैड वार्स ज़्यादा खेल रहा था, तो मुझे यहाँ पर मतलब मैं स्कॉर्पियो खेलना चाहिए था, क्योंकि बैड वार्स तो यूनो पे टू ही नहीं हो चुका है, क्योंकि उसमें कोई भी ज़्यादा खास कुछ फ्री इवेंट्स है नहीं, और जो फ्री इवेंट्स आते भी हैं मुश्किल से, वो सब तो बहुत ही आसानी से मुझे मिल जाते हैं बहुत जल्दी। और ये क्या बोल रहा है, डू यू हैव फुल? अच्छा नहीं, मेरे पास नहीं है। और लेकिन स्काई ब्लॉक पे इतने सारे इवेंट्स आए थे, हो सकता है कि स्काई ब्लॉक भी धीरे धीरे पे टू विन हो जाए। तो जिससे पहले वो पे टू विन हो जाए, मैंने सोचा कि जो भी अभी तक जो भी चीज़ें वो अभी जो फ्री मिल रही है, वो शायद बाद में जी क्यूब्स मिले, तो जिससे पहले वो जी क्यूब्स मिले उससे पहले उसको ले लेते हैं। और इसलिए मैं यहाँ पर अभी स्काई ब्लॉक पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से मैंने स्काई ब्लॉक भी नहीं खेला था, बैड वॉस पे ही मैं यहाँ पर फोकस कर रहा था। और अभी स्लाइम के आने ही वाला है, तो उसको मारने चलेंगे अभी हम लोग। और भाई मुझे फिर इतने दिनों बाद फाइनली कुछ आइस आयरन का कुछ मिला भी। ये कौन मैं? अरे ये बंदी भी मुझे बहुत तंग कर रही थी भी, मजाक नहीं कर रहा, हम पे बिना काम के हंसती हुई। मैं कुछ किया भी नहीं, मजाक भी नहीं बढ़ाया, बस मुँह मुँह बोल रही थी, पता नहीं क्या है, कुछ बोल भी नहीं सकता भाई। बॉस आता ही होगा, जल्दी जाना पड़ेगा हमको भाई। स्लाइम किंग की बहुत हेल्थ होती है, माइनिंग एरिया में जो हमको विदर लावा कोलम ये सब मिलते हैं ना, इनकी हेल्थ तो मतलब पहले मैं सोचता था कि इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है, इनको मारने में टाइम मिलता है, पर वो स्लाइम किंग के आगे तो कुछ भी नहीं है, मजाक भी नहीं कर रहा, नॉट इवन जोकिंग। ओके सो बॉस कब स्पॉन हुआ? अरे मुझे क्यों, मुझे डर गया यार। अरे यार ये फिर से तंग कर रही है। जे अरे यार ये कौन मारे जा रहा है भाई? अरे भाई इसके पास ये आ गई भाई। अरे यार इसके लिए भी, अरे यार भाई मुझे बॉस को मारने में ध्यान देना चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं, किसी ने अपनी, अरे यार मुझे क्यों मार रहा है यार, मैंने कुछ किया भी नहीं इसके साथ। उसको भी मार रहे हैं मेरे दोस्त को, मैं उनको बॉस को मारने में ज़्यादा ध्यान, मतलब बॉस को मारने में ध्यान देते हैं। और मैं ये बताना तो भूल ही गया कि हम लोग अपनी आई शाइन स्वॉर्ड आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग, अरे मैं पिकैक्स भी मार रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि हमें आज के इस वीडियो में हम लोग आइस आयरन स्वॉर्ड, अपनी आइस आयरन स्वॉर्ड बॉस पे टेस्ट करने वाले हैं। ले भाई 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 मेरी रैंकिंग, अरे यार ये क्या है ना, ये यहाँ पर मेरे यहाँ पर वो आर्मर अच्छा नहीं है। मैंने पहले यहाँ पर ग्राइंडिंग नहीं की, अगर पहले की होती तो लोगों के पास भी ऐसी आर्मर होता अच्छे। जब तक मैं यहाँ पर बैड वास खेल रहा था तब तक इन लोगों के पास आइस आयरन आर्मर आ गया, और उसके कारण यहाँ पर इनकी हेल्थ ज़्यादा हो गई, तो बॉस को मार टाइम लगता है इनको मरने में। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी अभी शुरू किया मैंने, कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों नहीं मतलब, लेकिन फिर भी अभी मैंने यहाँ पर बैड वास पर ध्यान दे रहा था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मुझे क्रिसमस में गिफ्ट में क्या मिला था, यही बोलता, स्काई ब्लॉक में तो मुझे गिफ्ट में बहुत कुछ मिला है, मतलब आई साइलेंट सोड और बहुत सी डेकोरेशन के आइटम्स मिले हैं। बट अरे भाई यार अच्छा है, अब ये स्पॉन के पास आ चुका है, स्पॉन पॉइंट के। यार हमने फोर्थ थर्ड रैंक कहीं पे भी आई थी, हमको एक फ्रोजन हार्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी यहाँ पर कुछ रेस वेस होती है, जो मतलब कॉम्पिटिशन होता है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड में सिल्वर, थर्ड में ब्रॉन्ज। तो आई थिंक इसमें भी हमको थर्ड में कुछ फ्रोजन आर्ट मिलता होगा। बट मैं तो अभी करेंटली फोर्थ रैंकिंग में, और फोर्थ रैंकिंग में मैंने भी देखा है कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलता है। एक बार मैं सेकंड रैंकिंग पे आया था, तब मुझे यहाँ पर 100 आइस कॉइंस और एक फ्रोजन आर्ट और कुछ मिला था, बहुत सी चीज़ें। लेकिन मैं अभी तक थर्ड में नहीं आया, लेकिन मैं सेकेंड में आ चुका हूँ। अरे यार और फोर्थ में ही हुआ यार, मैंने थर्ड में आ जाऊँ तो अच्छा आ गया। अरे यार
ये जो भी प्लेयर है ना, थर्ड वाला नोबिता कुछ है इसका नाम, ये इसके पास इतना अच्छा आर्मर है ना, यहाँ पर मैंने देखा है आइस आयरन आर्मर में जब हम पहनते हैं ना, तो उससे जो बॉस होता है ना उसको हम अलग अपना अलग से वो डैमेज मिलता है, क्या बोलते हैं आप, जब हम पहनते हैं उसको, तो वो एक तरह से जो थॉर्न्स जैसे काम करता है ना माइनक्राफ्ट में, वैसे बेडवास में वैसे ही काम करता है आइस आयरन भी, तो वही चीज़ यहाँ पर स्काई ब्लॉक में भी होती है, तो उसके कारण यहाँ पर बॉस को हम लोगों के ज़्यादा हिट्स लगते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर आइस आयरन की बस स्वॉर्ड ही है, मेरे पास आयरन आर्मर में तो यहाँ पर एक आइस ड्रैगन चेस्ट प्लेट है और में हेलमेट है और बूट्स है, लेगिंग्स, लेकिन आइस आयरन की नहीं है। वही यार मैं फोर्थ रैंकिंग में पर रहना पड़ेगा, आई थिंक इस रैंकिंग इस बार मैं फोर्थ रैंकिंग से आगे नहीं आ पाऊँगा क्योंकि बॉस ऑलमोस्ट मरने वाला है। कोई नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर पहले ही अगर मैं सेकंड रैंकिंग पे आ गया तो आइस आयरन शॉट तो उसे तो और भी ज़्यादा डैमेज, उस रैंकिंग में आ जाता हूँगा। अभी भी मैं फोर्थ रैंकिंग पे हूँ यार, भाई कम से कम थर्ड पे तो। अरे यार देख, अब हमें फ्रोजन हार्ट तो मिला नहीं होगा, चलो अब क्या ही कर सकते हैं यार। आई थिंक मैं आइस आयरन का आर्मर से ज़्यादा वो मिलता है, वो लोगों को अब तक उन लोग बंदों को मिल चुका है क्योंकि उन लोगों ने पहले से स्काई ब्लॉक में ग्राइंडिंग कर रहे थे, लेकिन मैं तो बस बेड वार्स ही में खेलने जा रहा था। यहाँ पर ब्रेड वार्स में कुछ भी यहाँ पर खास ऐसा है नहीं, वरना मैं सोच रहा था कि ब्रेड वार्स ही खेलते हैं। स्काई ब्लॉक थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी हो गया था, इसलिए यहाँ पर मेरा मतलब बहुत कुछ मैं ब्रेड वार्स खेल रहा था क्योंकि उसमें यहाँ पर जो बोए सोचता था पहले, थोड़ा सा मुझे बॉस के बारे में पता नहीं था, तो मुझे लगता था कि बॉस को मारने में वैसे ही इतना टाइम लगता है, कि यहाँ पर मैं सोचता था कि यहाँ पर वो जैसे कि कोई बस एक ही बंदा रहेगा और उसकी बैच भी तो विदर से भी ज़्यादा है, तो मारने में कितना टाइम लगेगा, कैसे मार पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर बॉस को यहाँ पर नहीं मारता था, मैं इसलिए सोचता था बैड वास ही खेलते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं तो उससे एक तरह से मुझे कुछ पता नहीं था कि बॉस को मारने में इतना इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, ये हो सकता है, तो इसलिए मैं बैड वास खेलता था। और इसलिए यहाँ पर मुझे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मतलब स्काई ब्लॉक थोड़ा बैड वार्स से ज़्यादा बोरिंग है, वो बात तो है, लेकिन स्काई ब्लॉक जिससे पहले पे टू विन हो जाए, उससे पहले जो भी आइटम्स अभी फ्री मिल रहे हैं उसको ले लेना चाहिए। जैसे कि बैड वार्स में यहाँ पर पहले लावा स्वॉर्ड फ्री में मिलती थी, ड्रैगन स्वॉर्ड फ्री में मिलती थी, लेकिन आजकल देख ही रहे और जी क्यूब्स में लगते हैं उसके लिए, ड्रैगन स्वॉर्ड के लिए तो भाई 499 जी क्यूब्स लगते हैं, मजाक भी नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा स्काई ब्लॉक में भी ऐसा आए, क्योंकि मैंने देखा था कि स्काई ब्लॉक में भी यहाँ पर जो ये गन में जो ऐसा होता है ना बैड वार्स पे, कैसे बताऊँ, कि वो जी क्यूब्स का ड्रॉ होता है, वो अब इसमें भी शुरू हो रहा है, तो इससे मुझे ऐसा पता लग रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे ये सब जो आइटम्स अभी हमको फ्री में मिल रहे हैं, जैसे आइस आयरन स्वॉर्ड, स्काईवर स्वॉर्ड, ब्रू, तो ये शायद बाद में हमको मतलब उसके लिए जी क्यूब्स लगे, तो मे बी हम तो इसलिए मैं अभी से ही यहाँ पर ग्राइंडिंग करना शुरू कर देता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं बैड वास कम खेलूँ तो मेरी तरह बहुत से प्लेयर्स यही कर रहे होंगे, सोच के कर रहे होंगे कि स्काई ब्लॉक में तो अभी यहाँ पर हो सकता है स्काई ब्लॉक भी ऐसे ही हो जाए, क्योंकि स्काई ब्लॉक बैड वास की बहुत कॉपी कर रहा है, तो वो हो सकता है कि इवेंट्स में भी उसी की कॉपी कर ले, पे टू विन डालने लगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर मतलब ऐसे बहुत से बंदे स्काई ब्लॉक खेल रहे होंगे, तो जब तक वो पे टू विन होगा तब तक बैड वास वाले लोगों को लगेगा कि यहाँ पर बंदे नहीं खेल रहे, तो हमें फ्री इवेंट्स बनाना चाहिए, फ्री इवेंट्स बनाएंगे, बैड वास पर बजा जाएंगे इसका। अरे मतलब समझ ही चुके हो भाई, ज़्यादा ही बोल रहा था, बड़बड़ कर रहा था भाई। बॉस की हेल्थ द इम्पैक्ट ऑफ ब्लिज़र्ड एक्सपेक्ट एक्सपेक्टिंग मुझे कौन इन्वाइट करें भाई। यार लोग ऐसा भी करते हैं कि जो फ्रेम्स होते हैं ना उनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर उसको लगा देते हैं टीवी में, ताकि लोगों को लगता होगा कुछ लोगों को कि इनके इन्होंने तो फ्रेम खरीद लिया, लेकिन वही बॉस को अच्छा हो कि मैंने आइस आयरन नहीं रखा हुआ, रेंडर चेस्ट में ही रख दिया हूँ, जैसे मैं माइनिंग भी थोड़ी ना कर रहा था वही। ओके तो उसके बाद की रिकॉर्डिंग के साथ पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता, तो लेकिन वो किसी कारण से यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, किसी कारण से मैंने यहाँ पर कर दिया था, पता नहीं किसी का शायद कॉल आ गया था या कुछ हुआ था, मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं डब्ल्यू बाद में दे रहा हूँ। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं पहले बार से, तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिए, और क्योंकि इससे मुझे वीडियो बनाने में वो मिलता है,
मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आप लोगों ने तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब ही कर दिया, मेरे 2 सब्सक्राइबर चले गए यार, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर जिन जिन लोगों ने मेरे अनसब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। मैं हैप्पी न्यू ईयर बोला भूल गया था क्योंकि यहाँ पर मैं वो मतलब क्योंकि यहाँ पर मुझे मैंने वीडियो ही नहीं बनाया था कोई वीडियो। अगर बस हैप्पी न्यू ईयर के समय कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि बैड वास में तो सब पेटू ही नहीं है कि क्या वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं सोच ही रहा था। और अब मैंने सोचा कि अब मैं आपको अभी हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ। एंड बाकी यहाँ पर आई साइलेंस रोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर। अगर हमारे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर जैसे बॉस को मार रहे हो तो पहले तो आप कोई ओपी सा वेपन यूज़ करो जो कि आई साइलेंस रोड से भी ज़्यादा डैमेज देता हो। जैसे कि यहाँ पर मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास तो आई थिंक आई साइलेंस रोड ही ज़्यादा डैमेज देती है। अगर इससे भी कोई अच्छा वेपन है जैसे कि ड्रैगन सोल स्वॉर्ड तो आप लोग उसका यूज़ कर लेना। एंड क्योंकि और जब 30 पे आ जाए तब इसी का यूज़ करना क्योंकि 30 पे ज़्यादा डैमेज देती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे फिर मैंने जैसे तैसे एक फ्रोज़न हार्ट मुझे मिल गया था बॉस को मार के, मैं सेकंड रैंकिंग पे फिर से आ गया था। तो अब मैं यहाँ पर इसकी मदद से यहाँ पर मैं आइस आयरन क्लोक बनाने वाला हूँ। तो इसका भी मैंने सोचा कि अब मैंने इतना वीडियो बना ही लिया तो इसका भी क्यों बना ही देते हैं। तो ये देखिए इससे हमको डैमेज मिलता है बॉस, मतलब वो जैसे आर्मर में मैंने बताया था थॉर्न्स की तरह काम करता है, तो उसमें भी वही चीज़ है। तो वही करते हैं हम लोग, मैं बना देता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे यहाँ पर क्लोक भी मिलने वाला है। ओके बना दिया। ओके तो अब हम वो यहाँ पर ये इससे हमको डिफेंस कम मिलता है बट डैमेज ज़्यादा मिलता है। बॉस के लिए तो यही सही है क्योंकि उसमें यहाँ पर HP से ज़्यादा वो डैमेज का होता है कि जितना डैमेज देंगे उतना ही आपको यहाँ पर रैंकिंग बढ़ेगी। एंड ये एंड ओके अब तो मैं आपको फाइनली बाय बोलूँगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बाय, बहुत सुंदर लगता हूँ उसमें, ये क्लोक ज़्यादा सुंदर एक्चुअली असल में। ओके बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। अरे मैं हाय बोल। ओके सो आज के लिए इतना ही, एंड बाय।